साफ करना पानी दे रहे उधर मत चले जाइए साफ कर। नई टंकी का निर्माण हो रहा है और क्या जो है सुबह से बारिश हो रही है कहीं का जो है ब्लॉक बना नहीं पाए तो आज जो है देखिए ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं तो आज जो है ट्रैफिक करेंगे इस बाइक और इसकी बाइक है 180 cc की कितनी है 180 हाँ 180 cc पर रोड पे ज्यादा भगा नहीं सकते क्योंकि आज पूरे दिन जो है हल्की हल्की बारिश होती रही है बिजली जो थोड़ा देखे गीली है आप दिखाइए देखिए अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाती है बाई चांस कहीं अगली ब्रेक लग गई तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है हम लोग कहाँ होंगे कोई पता नहीं और बाइक तो हट हो ही जाएगी आप लोग और जो है गंगा जी आज और बढ़ गई होगी भैया तो पानी थोड़ा जा रहा है और ऊपर से आज पानी काफी ज्यादा बरसात रहा और बताओ आप बनियान पहने हैं तो कुछ नहीं आप खुद बनियान पहने हुए देख लो मौसम आप लोग भी देखो भैया कहीं आगे के पास देख लेना देख सकते हैं देखिए नाला पूरा फुल हो चुका है और यहाँ पर देखिए सड़क और पानी कितना गंदा गंदा चल रहा है ये बहुत कचरा है यहाँ पर करबला अभी हम लोग करबला के पास में हैं और ये देखिए मस्जिद है पास में और ये गंदा पानी चल रहा है बिल्कुल ये देखिए देखो बैक कैमरा से आया वहाँ पर भी कितना पानी है भाई साहब कचरा देखिए सड़कों का पूरा हाल है भाई बारिश आज तो पूरे दिन ही बारिश हुई है अभी थोड़ा सा जो मौसम है वो खुला हुआ है मौसम नहीं खुला है पर बारिश थोड़ी सी थम गई है हम और आगे बात फिर से घूमने के लिए निकले हैं सिलसरा रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ खेतों में पानी आ चुका है ये देखिए इधर भी देखिए और आप इधर भी देखिए पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से जो है मछलियाँ खूब पकड़ी हुई थी और इस बार फिर से लोग मछलियाँ पकड़ेंगे देखिए लगता वहाँ पर लोग पकड़ भी रहे हैं नहीं पकड़ नहीं रहे हैं अभी देख रहे हैं और पिछली बार सड़क तक पे पानी आ गया था हो सकता आगे सड़क पर पानी हो ओ भाई साहब देख सकते हो आप लोग ये पानी वाले गाँव कहाँ तक जाते हैं हाँ आवाजपुर अर्रावाजपुर तक जाओ हाँ अर्रावाजपुर तक जाते ये हो भाई साहब इधर भी देखो मछली बहुत है यार पिछली बार यहाँ से काफी मछली पकड़ी थी और लोग पकड़ भी रहे थे हमने ब्लॉग भी बनाया था और आज उसी स्थान पर आपको फिर से लेकर आए हैं पूरा एक साल बाद और फिर से देखिए बाढ़ आ चुकी है गंगा में भी पानी बढ़ा और गंगा में पानी बढ़ने के कारण आसपास जो लगे हुए क्षेत्र हैं गांव हैं वहां पर जो है बाढ़ का पानी आ जाता है जैसा आप अभी हमारे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ये देखिए ये आपको चिलसरा वाले रोड का जो है वीडियो दिखा रहे हैं ये चिलसरा है ये सब्जाबाद निकलेगा जाके डायरेक्ट सब्जाबाद में आप जा सकते ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरी नदी हो पर ये खेत है टंकी का निर्माण हो रहा है भाई साहब थोड़ा सा आगे हम लोग आए हैं चिलसरा वाले रोड पे पर आगे जो खेत हैं वो थोड़े जो है इनमें पानी नहीं भरा हुआ तो सूखे दिख रहे हैं और यहाँ पर जानवर भी चल रहे हैं ठीक ठाक एरिया दिखाई दे रहा है और अगर पानी छोड़ा गया तो चार दिन तो लगता है हो सकता है यहाँ पर भी पानी आ जाए और ये क्या चीज है भाई साहब ये क्या है कहाँ है ITI जी कुछ और है शिवानंद एजुकेशन सेंटर
ओ भाई साहब, इधर तेल खत्म हुआ राजीव की गाड़ी को, पहले तेल डलाने उसके बाद आगे चला था भाई। हरिद्वार, माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सुशील साग विधायक अमृतपुर। भाई साहब अमृतपुर एरिया लग गए इनसे लग रहा हूँ भाई साहब। शमशाबाद 17 किलोमीटर है यहाँ से। अब तो आप लोग यकीन कर लिया होगा कि ये चिलसरा वाला रोड है, यानी शमशाबाद की तरफ सीधा निकलता है ये रोड। तो फाइनली गाइस जो है हम लोगों ने जो बाइक जो है राजीव ने देखी रास्ते पर जो है बाइक खड़ी कर ली है, और यहाँ से जो है थोड़ा सा आप लोगों को पूरा सीन दिखाते हैं कि यहाँ पर देख कितना पानी बढ़ चुका है। और ये अभी आपको बताया था चिलसरा वाला रोड है जो कि शमशाबाद की ओर जाता है और इधर साइड जो फरखाबाद के लिए जाता है। ये देखिए पीछे कल जो वीडियो डाला था वो सोता का था, तो कल जो आप लोगों को बाढ़ दिखाई थी जो रास्ता बंद थी इधर आर पार जाने के लिए नाव चल रही थी वो दूसरा वीडियो था, और ये जो वीडियो है ये चिलसरा वाले रोड जो कि शमशाबाद की तरफ रोड जाता है और यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार भी यहाँ का हमने ब्लॉग बना के डाला था जब यहाँ बाढ़ आई थी, और अभी फिर से आ चुकी है पूरी एक साल बाद बाढ़। और वहाँ पर देखिए जब लास्ट टाइम होता है जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद जो मौसम खुल जाता तो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं वहाँ पर। तो उसी लोकेशन पर हम फिर आए पूरे एक साल बाद, तो अभी आप लोगों को यहाँ का पूरा सीन दिखाते हैं वही बैक कैमरे से। राजीव कुछ कहना चाहोगे फिर? राजीव अब हमारे ब्लॉग में जो है राजीव आने लगे हैं, राजीव से ही पूछते हैं। अब दोनों तरफ सड़क के देखो, इधर भी पानी है इधर भी पानी है, इधर भी पानी और पीछे भी पानी है, और बीच में जो है सड़क है। हम लोगों ने ब्लॉग बनाओ तो एक सोता को पानी जो है इधर से आ रहा है या पुलिया, और जो यहाँ तक वहाँ तक पहुँचे थे आबाजपुर तक, जो हम लोगों ने कल वीडियो डाला सोता वाला, लगभग यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर है आगे। हाँ यहाँ से ज़्यादा दूर थोड़ी ना, 2 किलोमीटर है, और हम लोग 2 किलोमीटर के दायरे में ही हैं और आसपास ही हैं, और वहाँ का पानी आबादपुर जाता है सीधा पानी, और वहाँ भी पहुँच गया होगा। अगर एक दो दिन मौका लगेगा वहाँ का भी सीन दिखाएंगे आप लोगों को कि इस वक्त जो है फरुखाबाद में बाढ़ का कितना कहर है ना, और कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं गाँव वाले। फरुखाबाद सिटी के नीचे पानी है जो बिल्कुल नहीं, 2 किलोमीटर नीचे पानी सिटी से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर ही हम लोग दायरे के अंदर ही हैं, और यहाँ पर इतनी जो है बाढ़ का पानी आ गया है और लोगों को कितनी प्रॉपर फरकई बात के हैं तहसील के बाद के, और तहसील के नीचे जो चिलसरा रोड है उस रोड पर हैं हम लोग, और दोनों तरफ देख सके तो पानी आ चुको है और पानी बढ़न की संभावना है। और है अभी तो ये शुरुआत है, अभी चल रहा है, अभी हो सकता है 2-4 दिन में ये रोड बंद कर दिया जाए। ये रोड पे हम लोग खड़े हैं, इस रोड पे लगभग हमारे यहाँ से इनके कमर तक पानी चलता है। यहाँ पे पिछली बार चल रहा तो लोग नहा भी रहे थे, शायद आपने हमारा वीडियो देखा भी होगा। और अगर रोज ऐसे ही पानी छोड़ा गया नरोरा बांध से तो यहाँ पर पहले जैसी स्थिति फिर बन जाएगी, और यहाँ अगर स्थिति बनेगी तो फिर जो काशीराम कॉलोनी है ना वहाँ पर भी पानी जाएगा। अभी तो फिलहाल गया नहीं है, और ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ परेशान भी वहाँ हो जाते हैं बेचारे। वहाँ तो लाइट भी वगैरह काट दी जाती है, कैसे लोग गुजारा करते हैं। और अभी आप लोग यहाँ का पूरा सीन दिखा रहे हैं बैक कैमरे से, रखी है कायम, तो अभी आप ये देख सकते हैं बैक कैमरे का नज़ारा। ये देखिए यहाँ फोटो खींचे हैं इसे, और इधर भी देखिए, और इसके आसपास क्या पीछे भी देखिए, जितने भी आपको खेत दिखाए थे सब पे सारे खेतों में पानी भरा हुआ। और ये देखिए दूसरी साइड का भी आप सीन देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब सूरज हल्के हल्के चमक रहे हैं, ये देखिए। और इधर तो पूरा ऐसा ही लग रहा है कि गंगा जी का पानी, एकदम साफ सुथरा पानी। अब आगे दिखाऊं मैं थोड़ा, चलिए पास में लेके चलें आपको। ये देखिए और इधर देखिए पास में ही लगा हुआ गांव है, और हो सकता है गांव के अंदर भी पानी हो। ये आप जो सड़क का ही नज़ारा देख रहे हैं पास में, देखिए सड़क लगी हुई है और आस पास में ही खेत हैं, ये खेत का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो चलिए राजीव जा रहे हैं, राजीव कह रहे हैं चलो और आगे और चलिए देखते हैं, तो बने रहिए आप लोग, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, लगभग 1 किलोमीटर आगे और चलते हैं। देखो दोनों साइडों में पानी भरा हुआ है खेतों में, ये तो गिद्ध नहीं बुगला है,
ये तो ऐसे लग रही पूरी गंगा जी लग रही यार। बेचारे भैंस जो है खेतों में कहाँ चुन पाएगी पानी, खेतों में जय है पुलिया है, एक जा पुलिया है, पिछली बार नहीं बनी थी है। ये देखो इधर भी देखो पानी वहां तक जा रहा है, पेड़ तक तो आदर रही को बेचारो बोला तो डूबी को पेड़। भाई साहब देखो तो धार तक चल रही यार, देखो बेचारे वे टाइल ले खेत में भैंसिया डूब थोड़े रही गई भैंस पानी में भाई साहब। और इधर तो पूरा जही नहीं पता, खेत है कि गंगा जी है पूरी, पूरा खेत है गंगा जी नहीं है तो खेत यार, पर पानी देखो ना कितनो गहरो पानी है यार। पास में देखिए वन है, बबूल वाला जंगल, हाँ एकदम सब बबूल के पेड़ है इसके अंदर। पहले लोग है नहीं आओ, जब गैस ना आई थी तब जाए में लकड़िया, हम खुद बीन चुके, हमो कई बार बीन चुके यार इस वन से, हमो ले गए एक दो बार वन से लकड़िया यहीं से लेना आते यार। और आज भी ये देखिए सुरक्षित वन है, हम लोग थोड़ा सा गाँव की ओर बढ़ रहे हैं और ये गाँव की ओर बढ़ते बढ़ते पास में ये देखिए यहाँ पर भी खेतों में पानी आ भी चुका है, हमारे आगे सड़क पर भी पानी है, ये देखो सड़क पर पानी है। चलो आप लोगों को दिखाते हम लोग जो है थोड़ा सा, ये देखिए वन है पीछे और ये साइड में जो है पास में ही गांव लगा हुआ है और ये जो है रोड सड़क पर ही है हम लोग। और राजीव यहाँ पर धोना, अब राजीव जो है कह रहे कि थोड़ा आनंद लेके देख कितना गहरा है, उधर मत चले गहरा गहरो है वो। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी हम जो है गंगा जी पर हैं, बिल्कुल यहाँ सबसे ज्यादा गहरा पानी है क्योंकि पास में ही हमें लगे धीरे से पानी आता है यार, नहीं, नहीं, है? पानी वो उधर से आता है इस करके। पानी उधर से आता है और इधर मतलब साफ रास्ता है, कोई बंदिश नहीं है जिससे कि पानी की रुकावट हो सके और यहाँ पर ना पहुंचे, तो सीधा पानी यहीं पर पहुंचता है। और अभी आप देख सकते कितना गहरा पानी, ये देखिए गंगा का पानी देखो तो साफ है, हाँ है साफ पानी, ये देखो पेशाब कर रही है यार इनका अंदर। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पूरा व्यू दिखा दिया हमने आप लोगों को, राजीव हमारे साथ में पहले भी वीडियो मारते और अब जो है थोड़े ने वीडियो बनाना बंद कर दे। कौन सा गांव लगा राजीव जो पता है कुछ? रमन्ना गुलजार बाग वन पर लिखो बहुत हो यार, पता नहीं कौन सा, तो रमन्ना गुलजार बाग है। ये देखिए आपको जूम करके दिखाएं कितना गहरा पानी, ये देखिए वहां से यहाँ तक आप पूरा व्यू देख सकते हैं, ये देखो पूरी सीन। अच्छा पूरी ऐसे ही लग रही है कि हम लोग गंगा जी के पास खड़े हैं यार, इतना गहरा पानी है। और थोड़े दिन में जो है गांव के अंदर घुस हो सकत, गांव के अंदर हो भी पानी, तो चलो थोड़ा आगे और चल रहे हैं। पीछे आप भाई देख रहे हो रास्ता में ब्याह पर ही बिचारे, बहुत पानी है यार, कहाँ से स्टार्ट करो तो पानी की जगह बना लो और आगे कहाँ तक पहुँचे रोड में पानी आएगा। हाँ आ रहे, अब हम लोग यहाँ से ही जो है बैक होकर अपने घर की ओर चल रहे हैं भाई, फिर से फरुखाबाद की ओर, क्योंकि आगे जाएंगे बहुत दूर, दूर भी पड़ेगा हम लोगों को, इसीलिए हम लोग यहाँ से शॉर्टकट
लेट अच्छे नाम चेंज कर रहा वो सही रात है अपने अपने चैनल को, क्योंकि ऐसा आए कोई वायरल होने लगता है तो उसके नाम की लोग फेक आईडी बना लेते हैं और आप लोग ये समझते हो कि ये भाई भाई वही बंदा है जो वायरल चल रहा है, इसलिए जो है अपने चैनल का नाम चेंज करते रहो। ठीक तो हम लोग फिर से चलने अपने फरुखाबाद की तरफ और आसपास के जितने भी खेत थे सारे खेतों का जो है हम लोग मुआयना कर चुके हैं, कितना पानी था कितना पानी और पड़ेगा या कोई भी अपडेट हम लोग दे चुके हैं और अब हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर आज कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वक्त साथ के लिए बाय बाय राधे राधे।